बिल्कुल भी ना भूलें। धार जिले के ग्राम अजंदा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन था, जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा तय समय के अनुसार पंचायत का ताला नहीं खोला गया। तय समय पर नोडल अधिकारी मोइदे आ गए थे और तकरीबन एक से डेढ़ घंटा पंचायत भवन के बाहर ही खड़े रहे। सचिव राजाराम चौहान ने पंचायत का ताला खोला तो वहां पर देखा कई समय से झाड़ू नहीं निकाली। झाड़ू निकालने के लिए भी गांव की एक महिला को बोला गया, जिन्होंने झाड़ू निकाली। पंचायत में न तो कोई चौकीदार है न कोई सफाई वाला और पंचायत के बाहर बहुत गंदगी है। हरी घास बड़ी बड़ी हो गई है जिसकी कोई सफाई नहीं हुई है और गांव वालों का कहना था कि पंचायतें खुलती नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि साल में दो बार खुलती और कोई बोलते कि पंचायत हमेशा बंद ही रहती है। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि कई समय से पंचायत का ताला नहीं खुला और जब गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमको शासकीय योजनाओं का लाभ ही नहीं दिया जाता और मालूम ही नहीं होता क्योंकि सरपंच और सचिव मिलते ही नहीं। अजंदा से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। शासकीय योजनाओं का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। सांझे सबसे ग्राम सभा थी। तो सर आप कितने बजे आए आज? मैंने सब कुछ को 15 कर दिया, थोड़ी लेट हो जाऊंगा। लाख खोल देना गांव पंचायत। सर लोगों का कहना है कि हमेशा यही स्थिति रहती है, आप कभी पंचायत ही नहीं खोलते हैं। सदा खुलती है ग्राम सभा होती है। नहीं बोलते हैं सिर्फ ग्राम सभा के दिन ही खुलती है, उसके अलावा ग्राम पंचायत खुलती नहीं है। ग्राम सभा चश्मा कर दिया था चौकीदार ने। चौकीदार ने कर दिया था ग्राम सभा। चौकीदार को आपने बुलाया? बुलाया था। चौकीदार कहाँ है? चौकीदार आप बुलाइए सर, उसकी भी बैठ लेंगे। बुलाएंगे उनका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश में बीजेपी